Welcome to student tutorial. I'm Shaista Khan. Please like and subscribe our channel. And today's topic is resistance. आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं रेजिस्टेंस के बारे में. जब हमने क्या किया था ओम्स लॉ पढ़ा था तो उसमें जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट था वो था रेजिस्टेंस. ठीक है, तो वहां पे तो सिर्फ हमने उसका नाम ही जाना था. ठीक, लेकिन आज हम अपने जो हमारी जो ये क्लास है उसमें हम रेजिस्टेंस के बारे में डिस्कस करते हैं. ठीक है, तो रेजिस्टेंस होता क्या है तो पहले हम ये जान लेते हैं. तो क्या है, अगर आपको बोला जाए कि एक खाली सड़क है और एक बहुत बिजी रोड है और एक मतलब खाली रोड है, तो आप किस रोड से जाना ज्यादा पसंद करेंगे? अगर दोनों मतलब सेम टाइम सेम डिस्टेंस हो कहीं पहुंचने के लिए, तो आप किस रोड से जाना पसंद करेंगे? आप पसंद करेंगे किधर से, जिधर में बिजी रोड ना हो, जिधर बिजी रोड ना हो, जिधर ज्यादा गाड़ियां ना हो, आप उससे जाना पसंद करेंगे. क्यों पसंद करेंगे? क्यों? क्योंकि क्या है कि आप उसमें जितना चाहे स्पीड से चला सकते हैं. हाँ, आपको किसी से भी लड़ने की का डर नहीं रहेगा कि अरे मैं किसी से लड़ना जाऊं, किसी गाड़ी से मेरी टक्कर ना हो जाए, है ना. तो आप चाहोगे कि मैं जो हूं ऐसी रोड से जाऊं जहां पे क्या कम भीड़ हो. अच्छा, बहुत सी ऐसी जगह होती है जहां पे रोड पे क्या होता है कि ब्रेकर लगे होते हैं, स्पीड ब्रेकर बने होते हैं. क्यों बने होते हैं? क्यों? क्यों वो आपकी स्पीड को ब्रेक करता है, वो आपकी स्पीड को ब्रेक करता है, इट मींस कि कम करता है. बहुत लोग बहुत स्पीड से चलाते हैं तो जहां भी स्पीड ब्रेकर आता है तो वहां पे उनको अपनी स्पीड को क्या करना पड़ता है, कम करना पड़ता है. तो स्पीड ब्रेकर जो है वो क्या कर रहा है, वो आपके स्पीड को रजिस्ट कर रहा है. क्या कर रहा है? रजिस्ट कर रहा है, मतलब उसको उसके अपोज में काम कर रहा है. क्या कर रहा है? उसके अपोज में. अगर आपकी स्पीड किसी भी वजह से कम हुई तो इसका मतलब जो वजह है वो क्या करे, आपकी स्पीड को रजिस्ट कर दिए. क्या करिए? रजिस्ट कर दिए. आपने जो बिजी रोड नहीं है उसको क्यों चूज किया? क्यों? क्योंकि वहां पे आपकी स्पीड को कोई भी रजिस्ट करने वाला नहीं है. वहां पे आपकी स्पीड को रजिस्ट करने वाले क्या है, कम है. इसलिए आपने कम बिजी रोड को चूज किया जाने के लिए. क्यों? क्योंकि वहां कोलिजन का जो है वो मसला नहीं है कि भाई डर है कि कोलिजन हो जाएगा या हमको कम स्पीड से जाना पड़ेगा. तो इस वजह से आप क्या चूज करोगे, कम बिजी रोड चूज करोगे. और बिजी रोड क्यों नहीं चूज करोगे? क्यों? क्योंकि वहां पे ज्यादा गाड़ियां होंगी, वहां पे आप ज्यादा स्पीड से नहीं चल सकते हो. वहां पे आप अगर आप चाहो आपको क्या मतलब गाड़ियों के हिसाब से कभी इधर कभी इधर कभी इधर ऐसे ऐसे चलना होगा. ठीक है, ठीक. अगर आप इधर जा रहे हो गाड़ी आ गई तो आप ऐसे जाओगे फिर ऐसे जाओगे, तो उससे आप ऐसे टेढ़े मेढ़े रास्ते से जाने से बेटर कि आप चाहोगे कि मैं ऐसे रास्ते जाऊं जहां मैं मैक्सिमम स्पीड से चल सकूं. ठीक है, तो जो हम बात करते हैं करंट की, तो करंट कैसे फ्लो होता है, जहां चार्ज फ्लो होता है. क्या जो चार्ज का फ्लो है उसी को तो हम क्या बोलते हैं कि करंट फ्लो हो रही है. भले ही अपोजिट डायरेक्शन में है उसका कोई यहाँ पे मसला नहीं है. मसला बात यह है कि जो चार्ज का फ्लो है, जो हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है कंडक्टर में, उसको रजिस्ट करता है, उसका भी रेजिस्टेंस होता है. मतलब कि उसके फ्लो को भी कोई ना कोई ऐसी चीजें होती हैं जो रजिस्ट करती हैं, वही कहलाता है रेजिस्टेंस. वही क्या कहलाता है? रेजिस्टेंस. ठीक है, अब मान लें कि जैसे कि अब एक कंडक्टर हमने लिया. क्या लिया? कंडक्टर लिया. ठीक, अब कंडक्टर में क्या होता है, कंडक्टर में एटम्स होते हैं. ठीक है, ठीक, कंडक्टर में क्या एटम्स होते हैं. ठीक, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. अगर मान लीजिए कि यहाँ पे क्या है, कम एटम्स है. क्या है? कम एटम्स है. तो ये क्या करेगा, आराम से फ्लो करता जाएगा, आराम से. ठीक है, अपनी स्पीड से चलता जाएगा. और जितना ज्यादा जो इलेक्ट्रॉन है फ्लो करेगा उतनी ज्यादा करंट हमें मिलेगी. ठीक है, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा उतनी ज्यादा हमें क्या मिलेगी, करंट मिलेगी. ठीक है, लेकिन अगर यहीं पे क्या हुआ कि कंडक्टर में जो एटम्स है
वो ज्यादा हो गए, ठीक, वो क्या हो गए, ज्यादा हो गए और फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी ज्यादा हो गए, तो उस टाइम पे जो चार्ज यानी जो फ्री इलेक्ट्रॉन होगा वो कैसे चलेगा, वो ऐसे जाएगा, इससे लड़ेगा, फिर इससे लड़ जाएगा, फिर आगे जाएगा, इससे लड़ जाएगा, तो क्या होगा, उसका जो चलना होगा वो बहुत मुश्किल हो जाएगा, उसका जो फ्लो होगा कंडक्टर में वो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, उसको बहुत प्रॉब्लम होगी फ्लो होने में। क्यों? क्योंकि उसका कोलिजन क्या होगा, बार बार किसी न, कभी एटम से होगा, कभी खुद के फ्री इलेक्ट्रॉन से होगा, कभी किसी एटम से हो गया, कभी आगे बढ़ा तो फ्री दूसरे फ्री इलेक्ट्रॉन से हो गया, तो कोलिजन होने से क्या होगा, अगर कोलिजन होता है तो क्या होता है, डिस्टर्बेंस ही तो होगा ना चार्ज के फ्लो में, क्या होगा, अगर चार्ज एक दूसरे से कोलाइड करेगा या उनका क्या होगा, टक्कर होगी, तो क्या होगा कि उनके जो रूट है या उनका जो फ्लो है उसमें डिस्टर्बेंस होगा, क्या होगा, डिस्टर्बेंस होगा, उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से जो हमारा करंट है, जो हमें जितना करंट चाहिए उतना करंट फ्लो नहीं हो पाएगा, उतना करंट फ्लो नहीं हो पाएगा। तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं, ये जो रुकावट है किसमें, कंडक्टर में चार्ज के फ्लो को, उसी को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस, उसी को हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। रेजिस्टेंस क्या होता है, किसी भी जो रेजिस्टेंस क्या होता है, जो चार्ज का फ्लो होता है उसके फ्लो में जो उसको रेजिस्ट करता है, जिस वजह से वो रेजिस्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। जैसे गोल्ड होता है, ठीक है, तो गोल्ड बहुत ही क्या होता है, बहुत सॉफ्ट होता है, सॉफ्ट मटेरियल होता है, तो उससे अगर आप चाहो कि उसको कोई शेप दे पाओ तो आप उसको शेप नहीं दे सकते, ठीक है, तो आपको उसको शेप देने के लिए क्या करना पड़ता, उसमें कुछ ना कुछ अदर मटेरियल क्या होता है, मिलाना पड़ता है। जैसे बहुत जगह कॉपर मिलता है या बहुत जगह प्लेटिनम मिलता है, तो क्या जब अगर आपने गोल्ड में कॉपर को मिला दिया तो वो क्या होगा, वो इम्प्यूरिटी हो गई, किसमें, गोल्ड में, क्या हो गई, इम्प्यूरिटी हो गई। अगर ये मान लीजिए कि ये गोल्ड एटम, गोल्ड का एक वो है तार है, अगर इसमें क्या है, गोल्ड के भी एटम है, ऊपर से मान लीजिए कि ये कॉपर के भी एटम हो गए, ठीक, तो अपने तो थे ही, ऊपर से इम्प्यूरिटी भी आ गई, तो क्या हो गया, और रेजिस्टेंस हो गया, और गोल्ड क्या होता है, ये भी एक अच्छा कंडक्टर होता है, ठीक है, तो और रेजिस्टेंस हो गया। तो बेसिकली यही है कि जो चार्ज के फ्लो में, जो चार्ज के फ्लो होने में जिस वजह से रुकावट होती है, जो रुकावट होती है उसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस, उसको हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस, ठीक है। किसी भी कोई भी चीज जो है वो आराम से फ्लो नहीं हो सकती, उसको रेजिस्ट करने के लिए कोई ना कोई चीजें ऐसी होती हैं, ठीक है, थीके? जैसे अगर आप किसी चीज को क्या कर रहे, स्लाइड करा रहे हो, तो उसमें क्या होता है, फ्रिक्शन वर्क करता है। फ्रिक्शन क्या करता है, उस जो बॉडी है उसकी जो स्पीड है उसको कम करता है, फ्रिक्शन की वजह से वो अप्रोच करता है उसकी स्पीड का, या उसके उसकी जो फ्लो है उसका क्या करता है, वो अप्रोच करता है, कि अपोज करता है कि नहीं आप आगे मत जाओ, ठीक है। वैसे ही अगर चार्ज फ्लो हो रहा है तो ये ऐसा पॉसिबल नहीं कि उसको कोई रेजिस्ट करने वाला या उसको उसकी कोई रुका उसके फ्लो को कोई रोकने वाला ना हो। तो कैसे चार्ज का जो फ्लो है वो किस वजह से रेजिस्ट होता है, जब उसमें क्या होता है, जब वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो या तो खुद से भी कोलाइड करते हैं, या तो फिर उनका कोलिजन किसके से होने लगता है, उनके ही एटम से, या जो इम्प्यूरिटीज होती है उनकी वजह से क्या होता है, उनमें क्या होता है, टकराव होता है, उसकी वजह से उनके जो फ्लो है उसमें क्या होता है, एक अपोज आता है, क्या होता है, एक अपोज हो जाता है कि भाई आगे बढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है, उसी को हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। तो कोई इसमें कुछ ऐसा नहीं है, वो रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्ट करना, मतलब कि फ्लो ऑफ चार्ज को क्या करता है, रेजिस्ट करता है, इट्स कॉल्ड रेजिस्टेंस, ठीक है। तो चलिए अब हम इसका जल्दी से क्या कर लेते हैं, इसका जो थ्योरी पार्ट है उसको भी हम एक बार देख लेते हैं। तो चलिए अब इसका जो थ्योरी पार्ट है उसको भी हम क्या कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर ड्यू टू विच इट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट, फ्लो ऑफ
करंट थ्रो इट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। जो कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से क्या होता है करंट के फ्लो में क्या होता है करंट के करंट का जो फ्लो होता है उसको अपोज करता है, इट्स कॉल्ड रेजिस्टेंस। ठीक है, तो जो करंट का फ्लो होता है वो किसकी वजह से, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, चार्ज की वजह से जो होता है वो फ्लो करंट फ्लो करती है। तो किसके उसमें रजिस्ट करेगा, यानी कि चार्ज जो हमारा जो फ्री इलेक्ट्रॉन है उनके अगर फ्लो में अपोज कोई करेगा या उनके फ्लो में कोई रजिस्ट करेगा, इट्स कॉल्ड रजिस्टेंस। ठीक है, इट्स एसआई यूनिट इज ओम। इसका जो एसआई यूनिट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ओम बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जो ओम थे, मतलब जो ओम्स लॉ था आपको तो पते, तो उन्होंने ही उन्हीं के नाम पे या उनको क्या बोलते हैं उसको ट्रिब्यूट के करने के नाम पे उनका इसका जो एसआई यूनिट है उसको उनके नाम पे रखे गए ओम, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ग्रीक लेटर ओमेगा। ये इस तरीके से क्या होता है उसका जो सिंबल होता है वो इस तरीके का होता है, इसको हम लोग ओमेगा बोलते हैं। लेकिन ये अगर आपको रेजिस्टेंस निकाल रहे हो तो आपको ये सिंबल लिखना होगा एसआई यूनिट की जगह। ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज गिवन बाय आर इक्वल टू वी अपॉन आई। ठीक, जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा, आर इक्वल टू वी अपॉन आई। पहले हम लोग क्या करते थे, आई इक्वल टू वी अपॉन आर करते थे ना, तो आर जो है ऊपर चला आया आई की जगह पे और आई कहां चला गया, आर की जगह पे। ठीक है, अब जो सबसे मोस्ट एक तो क्या है इसका डेफिनेशन है, जो सिर्फ वन ओम के लिए होगा, वन ओम रेजिस्टेंस के लिए होगा, तो वो कैसे होगा कि अगर आप किसी कंडक्टर में अगर आप बात कर रहे हो वन ओम रेजिस्टेंस, तो इट मींस कि जो कंडक्टर आपने लिया है उसकी जो एंड्स पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो होगा वन वोल्ट का, और उसमें जो कंडक्टर में जो क्या होगा जो करंट फ्लो करेगा वो कितना होगा, वन एम्पियर का होगा। तो जो रेजिस्टेंस होगा उसको हम बोलेंगे कि ये रेजिस्टेंस कितना है, वन ओम है। क्या है, वन ओम है। देखिए, वन ओम इज द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर सच दैट व्हेन अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ वन वोल्ट इज अप्लाइड टू इट्स एंड, जो कंडक्टर का एंड होगा उस पे अगर वन वोल्ट क्या होगा पोटेंशियल डिफरेंस होगा, अ करेंट ऑफ अ वन एम्पियर फ्लोस थ्रू इट, और उसमें करंट भी क्या होगा वन एम्पियर का फ्लो होगा, तो जो रेजिस्टेंस होगा वो कितना होगा, वन ओम होगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये रेजिस्टेंस समझ में आ गया होगा। इसमें कुछ 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 अलग सा कुछ भी नहीं है, वो नेचर ही है, वो एक ह्यूमन का भी नेचर है और किसी भी बॉडी या किसी मटेरियल का भी यही नेचर है कि जब कोई चीज फ्लो होती है ना तो उसको फ्री फ्लो नहीं हो सकती। वो अगर फ्री फ्लो होती तो सोचिए कि कितना करंट फ्लो होता, तो फ्री फ्लो कोई भी चीज नहीं हो सकती है। तो फ्री फ्लो ना होने के लिए अब किसी भी चीज के फ्लो को कम करने के लिए क्या करना पड़ता है, कोई ना कोई उसको अपोज करने के लिए आ जाता है। तो वही जो अपोज होता है ना उसी को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस बोलते हैं। और ये किसके टर्म्स में बोलते हैं, ये जब हम कंडक्टर करंट इसकी बात करते हैं ना, इस टर्म में जो अपोज करता है फ्लो का, जो करंट के या जो फ्री इलेक्ट्रॉन के फ्लो का अपोज करता है उसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। ठीक है, जैसे अगर रोड पे है और स्पीड ब्रेकर है तो उसको हम बोलते हैं स्पीड ब्रेकर। भाई वो भी तो हमारी स्पीड को रजिस्ट कर रहा है, वो भी तो हमारी स्पीड को कम कर रहा है। जैसे जो जो फ्री इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं उनकी स्पीड को क्या कर रहा है, रजिस्ट हो रहा है। तो वैसे ही जो हमारी स्पीड होती है गाड़ी की उसको भी तो क्या करता है, स्पीड ब्रेकर क्या करता है, रजिस्ट करता है। तो इस वही वैसी ही चीज इसमें है कंडक्टर में, उसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस, जो कि करंट के फ्लो को अपोज करता है, इट्स कॉल्ड रेजिस्टेंस। ठीक है, इसको हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। इसका जो एसआई यूनिट होता है ओम, और इसको इसका जो सिंबल होता है ओम का वो ओमेगा की तरह होता है। ठीक है, तो ये हो गया रेजिस्टेंस। अब हम इस पे बेस कुछ न्यूमेरिकल क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, और उसको जो ये ओम्स लॉ और ये जो रेजिस्टेंस हमने पढ़ा है तो वो क्या हो जाएगा, वो हमारा और भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर हम न्यूमेरिकल्स क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं ना। पहला फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसको सॉल्व करते हैं, जो हमने अभी तक जो टॉपिक पढ़ा है अभी
उसी टॉपिक पे ये क्वेश्चंस जो है उसी से रिलेटेड है. हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ फ्रॉम अ 220 वोल्ट सोर्स इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब फिलामेंट इज 1200 ओम. यानी कि जो एक बल्ब है उसको एक सोर्स से लगाया गया है, यानी एक किसी बैटरी से लगाया गया है, उसका जो वोल्टेज है वो क्या है 220 वोल्ट्स है, और जो बल्ब का जो फिलामेंट है उसका रेजिस्टेंस है 1200 ओम. तो हमें क्या निकालना है कि हमें निकालना है कि उस बल्ब में कितनी करंट जो है वो फ्लो हो रही है. तो हमें दिया क्या है V इज इक्वल टू 220 वोल्ट्स, R इज इक्वल टू क्या दिया है 1200 ओम, और हमें निकालना क्या है I. ठीक है, तो I का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वो है V इज इक्वल टू I इंटू R. तो I हमको निकालना है, तो हम क्या करेंगे I को एक तरफ लेके आएंगे, फिर इसको हम V की वैल्यू रख देंगे. V की वैल्यू कितनी है 220 वोल्ट, और रेजिस्टेंस कितना है 1200 ओम. ठीक है, और जब आप क्या करोगे, जब आप इसको वो सॉल्व करोगे तो क्या होगा, जीरो से जीरो कट जाएगा. अब इसको वन से कट करो, वन टू वन जा टू, टू वन जा टू, ये टू सिक्स जा ट्वेल्व, और जीरो आप कितना आया I इज इक्वल टू 11/60. ठीक है, अब क्या होगा, अगर आप क्या करोगे यहाँ पे पॉइंट बढ़ाओगे तो यहाँ पे क्या होगा पॉइंट बढ़ेगा. ठीक, यहाँ पे क्या होगा जीरो, क्या होगा जीरो बढ़ेगा, फिर इस जीरो को इस कैंसिल कर दो, सिक्स वन जा सिक्स, अब क्या आया फाइव आया, फिर एक आपको वो क्या करोगे कि जब इसको आप डिवाइड करोगे तो कुछ ऐसा आएगा 0.18 एम्पियर, क्या आएगा 0.18 एम्पियर, क्या आएगा हमारा आंसर आएगा, आई की वैल्यू आएगी. ठीक है, अब इस तरह के बेस जो भी क्वेश्चन होंगे आई होप कि आप कर लोगे आराम से, जहां पे वोल्ट दिया हो, रेजिस्टेंस दिया हो और आई निकालने को बोल रहा हो, तो आप इसी फॉर्मूले में रख के उसको आप कर लीजिएगा. अब चलिए हम अपना नेक्स्ट टाइप का जो है वो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. चलिए अब हम अपना नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं क्या है ये. द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर इज 60 वोल्ट. यानी कोई एक इलेक्ट्रिक हीटर है जिसके एंड्स का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है 60 वोल्ट है. व्हेन इट ड्रॉज अ करंट ऑफ 4 एम्पियर फ्रॉम द सोर्स, अगर वो जो सोर्स जो बैटरी लगाई गई है उसकी वजह से उसमें करंट जो है 4 एम्पियर का बह रहा है, फ्लो हो रहा है, व्हाट करंट विल द हीटर ड्रॉ इफ द पोटेंशियल डिफरेंस इज इंक्रीज टू 120 वोल्ट. मतलब ये जो है वो सीधे सीधे हमसे अब ये कह रहा है कि अब जो है कितने एम्पियर की करंट फ्लो होगी अगर हम जो है उसका वोल्टेज, जो हीटर है उसका वोल्टेज जो है वो 60 से 120 कर दे. इसका आंसर मैं अभी आपको बता सकती हूँ, लेकिन मैं उसको आपको सॉल्व करने के बाद जो है उसको बताऊंगी कि आप कैसे पता लगा लोगे कि इसका आंसर क्या है. ठीक है, वो जो हमारा रिलेशन है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का, आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, तो हम उसी से ही इसका आंसर निकाल सकते हैं. लेकिन अभी क्या है प्रॉपर तरीके से निकालेंगे, क्योंकि अब जो है जो हमारा सेकेंड टर्म होगा उसमें कोई एमसीक्यूज वगैरह का सिस्टम नहीं है, तो इसलिए इसको पूरा पूरा आपको सॉल्व भी करना होगा. उसके सॉल्व करने के बाद मैं आपको बताऊंगी कि कैसे. ठीक है, तो क्या दिया है, पहले हमें दिया है वोल्ट कितना 60 वोल्ट, वोल्टेज कितना दिया है 60 वोल्ट, और आई कितना दिया है 4 एम्पियर. ठीक है, तो इस V और I दिया है, तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं R. R क्या है, किसी भी जो हीटर है उसका R तो भाई सेम ही रहेगा ना, तो पहले हम निकालते हैं R, फिर उसके बाद V कितना बढ़ा दिया है 120 वोल्ट. ठीक है, तो V इज इक्वल टू I इंटू R, यहां से हमको निकालना है R, तो V अपॉन I हो जाएगा. ठीक है, फिर V की वैल्यू 60 वोल्ट्स, और ये 4 एम्पियर. जब आप इसको करोगे तो कितना आएगा 4 वन जा 4,
टू इधर गया 20, 4 5 20, ये आ गया आर 15 ओम। ठीक है, अब इसके बाद बोला आर तो हमारे पास आ गया, ठीक है, वी हमारे पास अब हाई है इंक्रीज वाला, ये हो गया केस, ये हो गया केस वन और ये हो गया केस टू। ठीक है, अब क्या है, अब यहां पे वी दिया है और आर हमको दे दिया है 15 ओम। अब हमको क्या निकालना है, आई निकालना है, तो फिर हम क्या करेंगे, आई इज इक्वल टू क्या होता है, वी अपॉन आर, वी की वैल्यू 120 और अपॉन 15। ठीक है, तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, ये आएगा 8 एम्पियर। क्या आएगा, 8 एम्पियर। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आप देखोगे कि 8 एम्पियर इसकी वैल्यू आएगी। ठीक है, आप इसको कट भी कर लो चाहे तो 5 से कर लो और फिर जब उसको देखोगे तो वो 8 एम्पियर आएगा। ठीक है, चलिए ये तो हो गया। अब आप सोचोगे कि मैम बोली थी कि मैं आंसर आपको बता दूंगी, कि आंसर मैं अभी बता सकती हूँ, मैं आंसर आर की वैल्यू तो नहीं बता, लेकिन अगर मैं ये जो इंक्रीज हुआ था वोल्टेज, अगर उसके लिए करंट मुझे बताना हो, तो आप देखिए कि जब 60 वोल्ट था, सिर्फ जब 60 वोल्ट था तो करंट कितनी थी, 4 एम्पियर की थी। ठीक है, अब जब 120 वोल्ट हो गया तो 60 से 120 यानी क्या, टू टाइम क्या हो गया, टू टाइम बढ़ा, क्या हो गया, टू टाइम बढ़ा, तो वोल्टेज कितना 60 से 120 हो गया, यानी दो गुना बढ़ गया। तो क्योंकि V और I क्या है, V और I जो है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, V और I क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो जब V दो गुना बढ़ेगा तो I भी क्या होगा, दो गुना बढ़ेगा ना, जब V दो गुना बढ़ेगा तो I भी क्या होगा, दो गुना बढ़ेगा, यानी 60 से 120 हुआ दो गुना, तो 4 एम्पियर से कितना हो जाएगा दो गुना, 8 एम्पियर, कितना हो जाएगा 8 एम्पियर, यानी कि जो हमारी करंट इंक्रीज होगी 120 वोल्टेज में वो कितनी होगी, 8 एम्पियर होगी, कितनी होगी 8 एम्पियर। तो ये था, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की वजह से जितना वोल्टेज बढ़ेगा उतना ही करंट भी बढ़ जाएगा। ठीक है ना, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ लैंप ऑफ रेजिस्टेंस 80 ओम ड्रॉज अ करंट 0.75 एम्पियर, फाइंड द लाइन वोल्टेज। अब यहाँ पे हमको डायरेक्टली क्या निकालने को बोला है, वी निकालने को बोला है और दिया क्या है, आर इज इक्वल टू 80 ओम और आई कितना दिया है, 0.75 एम्पियर दिया है और हमें बोल रहा है वी निकालने के लिए। तो वी इज इक्वल टू क्या होता है, आई इंटू आर, तो वी इज इक्वल टू कितना हुआ, आई कितना दिया है 0.75 एम्पियर और आर कितना दिया है 80 ओम। और जब आप इसको क्या करोगे, जब आप इसको क्या करोगे, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या है कि मल्टीप्लाई है, और जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, जीरो हाई है, ठीक है, 8 5 40, 40 का 0 और यहाँ पे आ गया 4, 8 7 56 और 56 और प्लस 4 60, कितना आ गया 60। लेकिन यहाँ 2 के बाद क्या है, 2 के नंबर्स के बाद क्या है, डेसिमल है, तो यहाँ पे लग जाएगा डेसिमल और V इक्वल टू आ जाएगा 60 वोल्ट। कितना आ जाएगा, V इक्वल टू कितना आ जाएगा, 60 वोल्ट। बहुत ही सिंपल सा ही क्वेश्चन था, इसमें रेजिस्टेंस दिया था, एम्पियर दिया था, मतलब करंट दिया था और हमें क्या निकालना था, वोल्टेज। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो एक फिर से बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, चलिए उसको करते हैं सॉल्व। फाइंड द वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 10 कूलम थ्रू अ रेजिस्टेंस ऑफ 20 ओम इन 10 सेकेंड टाइम इंटरवल। मतलब क्या है कि वर्क डन हमको निकालना है और रेजिस्टेंस कितना दिया है, 2 ओम और जो टाइम दिया है टी वो कितना है, 10 सेकेंड। अब भाई
जो हमारे पास फॉर्मूला है वोल्टेज का, पहले तो देख लें कि क्या क्या दिया है हमको। दिया है Q कितना दिया है 10 कूलम, R दिया है 2 ओम और T दिया है 10 सेकेंड। ठीक है, अब क्या है, अब हमको इसके थ्रू क्या निकालना है, वर्क डन यानी कि WD, क्या निकाला, वर्क डन। तो अब चलिए देखते हैं, V इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन क्या होता है, Q होता है। ठीक है, अब हमको वर्क डन ही निकालना है, Q तो चलो है हमारे पास लेकिन V तो नहीं है। अब V को हम किस में चेंज कर सकते हैं, I इंटू आर में, किस में चेंज कर सकते हैं, I इंटू आर में। अभी हमको कुछ भी पुट करने से पहले वो फॉर्मूला निकालना पड़ेगा जिससे जिसकी सारी वैल्यूज हमें दी हुई है, उस तरह का एक फॉर्मूला निकालना पड़ेगा। ठीक है, आई इंटू आर, आर दिया है, आई ने दिया, फिर से प्रॉब्लम। अब क्या हो गया, इस क्यू को हम इधर लेके आते हैं, तो अब यहाँ पे ऐसे लिखते हैं डब्ल्यू डी इक्वल टू, ये हो गया ये वाला क्यू मल्टीप्लाई, आई को हम क्या लिख सकते हैं क्यू अपॉन टी, आई को हम क्या लिख सकते हैं क्यू अपॉन टी और इंटू आर, और आई को हमने क्या लिखा है क्यू अपॉन टी, क्या लिखा है यहाँ पे क्यू अपॉन टी। अब देखिए क्यू की भी वैल्यू हमारे पास है, इस क्यू की भी है, टी की भी है और आर की है, हम लोग क्या करते हैं पुट कर देते हैं। क्यू की वैल्यू कितनी है 10 इंटू 10, टाइम कितना है 10 इंटू 2, ये 10 से ये 10 कैंसिल हो गया, डब्ल्यू डी इक्वल टू कितना हो गया 20 जूल, कितना हो गया 20 जूल। जो हमारा आंसर आया वो कितना हुआ 20 जूल। पहले तो हमको हमने देखा कि क्या क्या हमारे पास है, ठीक है, हमको निकालना क्या है। अब जो फॉर्मूला दिया है उसको हमने जितना हो सकता था उतना तोड़ा, ऐसे तरीके से तोड़ा कि जो जो चीजें हमें दी हुई है ना तो हम उसको यूज कर सके, हम उसमें पुट कर सके, ऐसा कोई भी वैल्यू ना हो जो हमें नहीं पता हो और वहां पे हमें उसकी वैल्यू रखनी पड़ जाए। तो इसीलिए हमको दिया था क्यू आर टी, तो हमको जो वर्क डन का फॉर्मूला था उसको इस तरीके से तोड़ना था कि वो इस फॉर्म में टूटे, क्यू आर टी के फॉर्म में। तो आप देख रहे हैं कि वर्क डन का जो फॉर्मूला उसको हम लोगों ने क्यू आर टी के फॉर्म में क्या क्या है ब्रेक कर दिया है। बिल्कुल, V इक्वल टू होता है वोल्टेज इक्वल टू होता है क्या वर्क डन अपॉन क्यू, V को हम लोगों ने क्या किया तोड़ा I इंटू आर में, फिर I भी हमारे पास नहीं था, फिर I को फिर हमने ब्रेक किया किस में Q अपॉन T में, और फिर वो हमने पुट कर दिया वैल्यूज और आ गया हमारा वर्क डन। क्या आया हमारा वर्क डन आ गया। आई होप कि आपको जो आज के जो आज की क्लास थी उसमें जो रेजिस्टेंस और जो न्यूमेरिकल्स जो आपको पढ़ाया गया है, जो बताया गया है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो जब हमारी नेक्स्ट क्लास होगी तो हम एक नए टॉपिक को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।